हेलो एके दी टेक्निकल आर्मी, दिस इज अनिल एंड यू आर वाचिंग एके दी टेक्निकल। दोस्तों में हम बात करेंगे ओप्पो F15 के बारे में, क्या ये फ़ोन अच्छा है, क्या प्रोसेसर है, क्या डिज़ाइन है और क्या ये ओवर प्राइस फ़ोन है, बताऊंगा इसी वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गो टू स्क्रीन। तो दोस्तों ओप्पो A15 मैंने यहाँ पर रख दिया है। एंड्रॉयड 9 पाई है, कलर ओएस 6.1 है, 172 ग्राम इसका वज़न है, 4G सपोर्टेड फ़ोन है। अब आते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की तरफ। तो इसमें हमें मिलता है हीलियो P70 जो कि हमने लास्ट टाइम ओप्पो F11 में देखने को मिला, और जो इंडिया में लॉन्च हुआ था Realme 3 उसमें भी हमें हीलियो P70 मिला, लेकिन जो पाकिस्तान में आया था उसमें हीलियो P60 था। तो इसकी परफॉर्मेंस गुड है, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। एमोलेड पैनल है यहाँ पर, एमोलेड है तो सीधी बात है इसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। 6.4 इंच का स्क्रीन है, 1080 पिक्सल्स वाला है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और 430 निट्स की ब्राइटनेस है। तो इसमें आपको ब्राइटनेस भी अच्छी देखने को मिलेगी। 8GB रैम, 128GB का स्टोरेज है UFS 2.1 के साथ। क्वाइट कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है जो कि 1080 पिक्सल्स 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर आपको जायरो और फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले जैसे मैंने पहले बताया वो है, और 4025 mAh की बैटरी जो कि 20W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 50% ये सिर्फ 30 मिनट्स में करेगा क्योंकि 4000 mAh की छोटी बैटरी है। प्राइस की बात करें तो प्राइस एक्सपेक्टेड यहाँ पर बता रहा है 49,000 जो कि बहुत ज़्यादा है। अब ये फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है क्योंकि मेरे हिसाब से फ़ीचर्स वगैरह को मिलाकर ये 36 भी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल 36 सही है। तो 36,000 का आता है तो सही है क्योंकि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, एमोलेड पैनल और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, सारी चीज़ें कैमरा वगैरह मिलाकर इतना वर्थ करता है। उससे ज़्यादा अगर ये आया तो ये ओवर प्राइस है। ओवरऑल अगर ये 40,000 का भी आता है तो भी ओवर प्राइस है क्योंकि 36 मैंने बहुत ज़्यादा बता दी। अगर आप ओप्पो F11 लेते हो वो 33 से 32,000 का मिल जाता है उसमें, और इसमें तकरीबन चीज़ें सेम है लेकिन उसमें डुअल कैमरा है, इसमें क्वाइट कैमरा है। सो ये फ़ोन ओवर प्राइस है, आई डोंट रिकमेंड इट। इसका जो प्रोसेसर है वही सेम टू सेम हमें ओप्पो F11 में देखने को मिला था, तो इतना कुछ ज़्यादा अपग्रेड नहीं है ओवरऑल, ओवरऑल ये जो फ़ोन है ये बहुत ही पुराना प्रोसेसर लेकर आया है, वो भी इतनी ज़्यादा प्राइस है, तो आई डोंट रिकमेंड इट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये फ़ोन लेना चाह रहे हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।